सिंपल फूड्स को स्वागत है। मेरे सिंपल फूड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज हम सिंपल फूड्स में बनाएंगे हेल्थी एंड टेस्टी उड़द दाल के लड्डू। इसे कैसे बनाते हैं आज हम देखेंगे। उड़द दाल के लड्डू बनाने के लिए हम लेंगे 250 ग्राम उड़द दाल, 250 ग्राम गुड़, 100 ग्राम मूंगफली, 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम, 3 से 4 टेबलस्पून घी, 2 इलायची, आप इलायची का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट हम गुड़ को ग्रेट कर देंगे। इसी तरह हम गुड़ को ग्रेट कर लेंगे। गैस पे कढ़ाई रख देंगे, गैस को ऑन कर देंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें ये उड़द दाल डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे रख के रोस्ट कर देंगे। लगातार चलाते हुए हम इसको रोस्ट कर देंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। ये थोड़ा कलर चेंज होने तक हम इसको रोस्ट कर देंगे। देखो कलर चेंज होने लगा है। गैस को मीडियम लो कर देंगे। कलर चेंज हो गई है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में ये मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली को भी रोस्ट कर देंगे मीडियम फ्लेम पे रख के लगातार चलाते हुए। भी रोस्ट हो गई ही, गैस के फ्लेम को हाफ कर देंगे। प्लेट में निकाल लेंगे। ये मूंगफली ठंडा होने तक रख देंगे। मूंगफली ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकाल लेंगे। मिक्सर जार ले लेंगे, इसमें रोस्ट किया हुआ उड़द दाल को डाल देंगे। इसको पाउडर बना लेंगे। देखो इसी तरह, ज्यादा पाउडर नहीं, थोड़ा दरदरा ही पीस लेंगे। ये उड़द दाल के पाउडर में अब इस ये मूंगफली रोस्ट किया हुआ, इलायची, काजू बादाम डाल के इसको दोबारा से मिक्सर चलाएंगे। अब इसी में हम ये ग्रेट किया हुआ गुड़ को डाल देंगे। दोबारा से मिक्सर चलाएंगे। देखो अच्छा सा पाउडर बन गया है ये, आप देख सकते हैं। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको अच्छा सा इसी तरह मिक्स कर देंगे। घी को मेल्ट कर देंगे। मेल्ट किया हुआ घी को इसमें डाल देंगे, ये उड़द दाल मिक्सर पाउडर में। को अच्छा सा मिक्स कर देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून
घी दूध ऐड कर देंगे। इसको दोबारा से अच्छा सा मिक्स कर देंगे। इसी तरह हम थोड़ा क्वांटिटी लेके लड्डू बना लेंगे। इसी तरह पूरे लड्डू बना लेंगे हम। बन गए हैं हमारे हेल्थी एंड टेस्टी उड़द दाल के लड्डू। इसी तरह आप भी घर पे बनाइए, बना के वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।